नमस्कार। बॉलीवुड की स्टाइल आइकन रेखा आज जिंदगी में भले ही अकेले हों, लेकिन एक समय था जब वो बहुत से बच्चे चाहती थी। उन्होंने 1984 में दिए एक इंटरव्यू में अपने दिल की बात शेयर की थी। 1984 में फिल्म फेयर को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मेरी फैंटेसी है कि मेरे बहुत से बच्चे हों और कम से कम 12 बच्चे हों, लेकिन मैं आशा करती हूं कि ये सिर्फ फैंटेसी बनकर ही न रह जाए। मेरी मम्मी हमेशा कहती हैं कि 30 साल की उम्र तक बच्चे हो जाने चाहिए। मैं चाहती हूं कि मेरा बच्चा शारीरिक रूप से मेरे साथ बड़ा हो। मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच कोई कम्युनिकेशन गैप होगा क्योंकि मैं बहुत फॉरवर्ड हूं। मैं 100 साल एडवांस में सोचती हूं। उन्होंने आगे कहा था, मुझे मेरे घर की प्राइवेसी बहुत पसंद है, लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरे घर का खालीपन बच्चों से भर जाए। उन्होंने कहा, मुझे पछतावा है कि मेरी शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए। मैं अपने से छोटी उम्र की अपने दोस्तों को देखती हूं जिनकी शादी हो गई है और बच्चे हो गए हैं, उन्हें देखकर अच्छा लगता है। हालांकि रेखा ने यह भी साफ किया था कि वो कभी बिना शादी के बच्चे पैदा नहीं करना चाहती। इसके निजी कारण हैं, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को भुगतते हुए देखा है, मैंने उन्हें बिना पापा के बच्चे को पालते हुए देखा है। उन्होंने आगे कहा था, आज के समय में बच्चे बहुत स्वार्थी और डिमांडिंग हैं। 1.5 महीने में उन्हें पता होता है कि उनके आसपास कौन है, वो जागरूक होते हैं। मैं 16 साल की उम्र तक जागरूक नहीं थी। आप उन्हें बेवकूफ नहीं बना सकते। मुझे नहीं पता मेरा बच्चा कब होगा, हो सकता है कभी ना हो, हो सकता है बच्चा मुझे घरेलू कामों तक सीमित कर दे, लेकिन मेरे अलग सपने हैं। लेकिन ये रेखा का सपना कभी पूरा नहीं हुआ और आज 70 साल की अकेलापन जिंदगी गुजार रही हैं। कभी एक दौर था जब रेखा और अमिताभ बच्चन एक दूसरे को बहुत चाहते थे और काफी करीब थे। रेखा को अमित जी से काफी लगाव था और चाहती थी कि मेरा शादी अमिताभ बच्चन से हो, लेकिन वो प्यार, ख्वाब, वो चाहत भी अधूरा रह गया। जब अमित जी की शादी की बात चल रही थी तो उस समय भी लग रहा था कि दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे, लेकिन अमित जी के पिताजी उन्हें रेखा से शादी करने से मना कर दिया था। आज भी रेखा की आंखों में उनके लिए प्यार कम नहीं हुआ है। रेखा जब भी अमित जी से मिलती हैं तो सहज सी जाती हैं और अंदर ही अंदर एक अजीब सा गुस्सा भी पनप जाता होगा।